this beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking. Hello friends, welcome to my kitchen. आज मैं बनाने वाली हूँ बूंदी के लड्डू। किसी भी त्यौहार में बूंदी के लड्डू बनाया जाता है। इसे घर में बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन को हम छान कर यूज़ करेंगे। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। इसमें हम कोई भी कलर का यूज नहीं करेंगे। बेसन का बैटर स्मूथ और लम्स फ्री होना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बैटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसमें पानी डालकर शुगर सिरप तैयार करेंगे। चीनी को पानी में अच्छे से मिला लेंगे। इसमें उबाल आ चुकी है, इसे कुछ देर तक उबाल लेंगे। चाशनी तैयार है। अब गैस ऑफ करके इसमें सैफरन डाल देंगे। इससे लड्डुओं में अच्छा कलर आएगा और लड्डू हेल्दी बनेंगे। अब हम बूंदियाँ तलेंगे, तो सबसे पहले एक पैन अच्छे से गरम करके इसमें घी डाल देंगे। घी में लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। बूंदियों को फ्राई करने के लिए घी को बहुत अच्छे से गरम करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में बूंदियों को तलेंगे। इसके लिए मैंने एक ऐसा झारा लिया है, इसमें धीरे धीरे बेसन का बैटर डालेंगे। देखिए बूंदियाँ घी में गिरना शुरू हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए हिलाते हुए फ्राई करेंगे। बूंदियाँ फ्राई हो चुकी है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बूंदियों को भी फ्राई करेंगे। बूंदियाँ फ्राई हो चुकी है। अब शुगर सिरप को एक बार फिर से उबाल लेंगे। केसर का रंग भी चाशनी में आ गया है। अब हम इसमें फ्राइड बूंदियाँ डाल देंगे और 5 मिनट तक उबाल लेंगे। देखिए बूंदियों ने शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। ये अब ठंडा हो गया है। इसमें हम चॉप्ड पिस्ता मिला लेंगे और अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे।
हाथों में थोड़ा सा बूंदी लेंगे और हल्के हाथों से दबाकर लड्डू बनाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।